अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम अपने बर्ड्स के शेड की वीडियोस और इन बर्ड्स की वीडियो बनाते हैं। ये आप लेफ्ट साइड पे एक बड़ी आबारी देख रहे हैं, इसमें ग्राउंड में मेरे पास फेजेंट्स हैं और दरमियान में इनके फ्लाइंग में डिफरेंट किस्म के पैरट्स फिर रहे हैं। ये असल वीडियो में आपको, मुझे चूंकि ग्रीनरी का बहुत शौक़ है तो आपको बर्ड्स कम नज़र आएंगे, सेटअप की वीडियो, ग्रीनरी की वीडियो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ये इस तरफ मेरे मोरों के केजीज़ हैं जी। मोर की वैरायटी में मेरे पास ब्लैक शोल्डर, इंडियन ब्लू पाइड, सिल्वर पाइड, ये ब्रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये मोरों की वैराइटीज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन मैंने तो यही पेड़ रखे हैं। ये इस तरफ जी, इसमें फैंसी पिजन और फेजेंट्स के यंग बर्ड्स हैं। ये जो कि पौधे काफ़ी ज़्यादा है तो आपको ये इसमें शायद दिक्कत हो देखने में। ये ग्राउंड में सारे फेजेंट्स के हैं केजीज, और ये ऊपर इनके फैंसी पिजन के केजीज हैं। ये दोस्तों इस शेड में मेरे सारे फैंसी पिजन लगे हुए हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के अलग अलग पेड़ ब्रीड कर रहे हैं। ये अब राइट साइड पे जो शेड आपको नज़र आ रहा है, इसमें इसके अंदर जाके मैं आपको तफसील बताता हूँ। इसमें पैरट्स, रॉ पैरट्स भी ब्रीड कर रहे हैं, फैंसी पिजन भी हैं और फेजेंट्स भी हैं। ये गैलरी में मैंने किंग पिजन छोड़े हुए हैं जी। ये इस तरफ भी कोई पिजन के डिफरेंट यंग पट्टियाँ बैठे हैं। ये मेरे रा का सेटअप है जी, 30 पेयर रा के हैं मेरे पास जो ब्रीड कर रहे हैं। इस तरफ सारे फेजेंट्स के हैं जी। ये डबल स्टोरी केजेस हैं, नीचे भी केज है और ये ऊपर भी केज है। इन सब में फेजेंट्स के पेड़ लगाते हैं जी। ये फेजेंट्स रेड गोल्ड, हाँ फेजेंट्स की वैरायटी में मेरे पास दोस्तों रेड गोल्डन, येलो गोल्डन, लेडी एमरल्ड, सिल्वर, ये चार किस्म के फिलहाल फेजेंट्स ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास।
ये भी दोस्तों सारे फेजेंट्स के केज हैं। ऊपर वाले जो केज हैं ये इनमें पैरट्स मैंने छोड़े थे, लेकिन अब तो वो छोटे ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल लवबर्ड्स मैंने सेल कर दिए। ये नीचे कुछ फेजेंट्स हैं, कुछ केजों में मोरों के यंग बर्ड्स हैं। फ्रेंड्स, शौक़ तो 2005 में शुरू हुआ। इसमें फिर डिफरेंट किस्म के परिंदे लेके आते रहे, उनकी ब्रीड लेते रहे, फिर किसी चीज़ से कुता जाना तो फिर दूसरी चीज़ ले आनी, उसकी ब्रीड लेनी। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये आजकल जो मेरे पास अवेलेबल है, जिनकी ब्रीड मेरे फार्म पे हो रही है, ये उन बर्ड्स के मैं नाम आपको बता रहा हूँ। ये सामने जो शेड देख रहे हैं इसके भी अब तो सर्दी की वजह से इसको कवर किया हुआ है, तो इसके ग्राउंड पे जो केजेस हैं उनमें फेजेंट्स हैं पेड़ लगे हुए, तो ऊपर जो केजेस हैं उनमें पैरट्स छोड़े हुए हैं जी। ब्रीड भी करते हैं, यंग बर्ड्स भी हैं उनमें। ये जो आपको बड़ा सा शेड दो स्टोरी में नज़र आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे भी पैरट्स हैं और फर्स्ट फ्लोर पे भी पैरट्स हैं। चलें हम अब इसके अंदर चलते हैं। ये दोस्तों इंडोर पैरट्स लगाए हुए हैं। ये राइट साइड पे केजेस जो हैं ये सारे रिंग नेक पैरट्स में डिफरेंट कलर हैं। और ये लेफ्ट साइड में भी इसमें एग्जीबिशन आ जाते हैं, कॉकटेल आ जाते हैं, रम पैरट आ जाते हैं, सन कनोर पैरट आ जाते हैं। ये इस साइड पे भी लेफ्ट साइड पे सारा रिंगनेक डिफरेंट कलर में लगा हुआ है जी। तो ये राइट साइड पे छोटे केजेस हैं, इनमें एग्जीबिशन और लव बर्ड ब्रीड कर रहे हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको बाहर के सीज़न में फरवरी मार्च 2020 में आपको बना के दिखाएंगे। उसमें फिर ये इनकी सर्दी की वजह से जो इनको कवर किया हुआ है ये सब उतर जाएगा। तो फ्रेंड्स चले अब हम चलते हैं इस शेड के अंदर, देखते हैं क्या चीज़ें हैं इस शेड में। दोस्तों ये भी दिखाता चलूँ, सोशल मीडिया पर मेरा जो फार्म है उसका नाम है एवरी बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म। ये फेसबुक पे भी है पेज और ये यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है इसी तरह ही एवरी बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म। ये दोस्तों हम शेड के अंदर आ चुके हैं। ये ग्राउंड पे मैंने आपको बताया था कि फेजेंट्स लगे हुए हैं सारे, और ऊपर वाले केजों में पैरट्स हैं, और ये भी फ्लाइंग बड़ी फ्लाइंग में पैरट्स छोड़े हुए हैं। ये देखते हैं जी नीचे वाले केजों में रेड गोल्डन फेजेंट्स के हैं जी इस तरफ। और ये इस तरफ आ गया जी येलो गोल्डन फेजेंट। ये आ गए जी ग्रे पैटेज ईरानी तितर। और ये भी फ्रेंड्स येलो गोल्डन फेजर के यंग बर्ड्स हैं मेरे पास। और ये अब वाला जो सीन है ये ऊपर वाले केजों में है जी। ये लैक्टस के यंग बर्ड्स हैं मेरे पास, रा है इनमें, रिंग नेक है इनमें कोई एक दो पीस, वो पिजन के भी सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे बर्ड्स फार्म का जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।